हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। किसने किया रोहित मेहरा के कंप्यूटर को हैक? कौन करना चाहता है जादू और उसके प्लैनेट पर कब्जा? क्या क्रिश बचा पाएगा जादू और उसके प्लैनेट को? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए, हमने आपको ये खबर तो पहले ही दे दी थी कि बहुत जल्द आने वाली है क्रिश 4। क्रिश 4 में हमें नजर आएंगे ऋतिक रोशन इन द रोल ऑफ क्रिश, वहीं उनके साथ हमें प्रिया के रूप में नजर आने वाली है प्रियंका चोपड़ा। क्रिश 4 ऋतिक रोशन की द मोस्ट अवेटेड मूवी है। हाल ही में रिलीज हुई विक्रम वेदा की सक्सेस के बाद अब सब लोगों को इंतजार है ऋतिक रोशन की क्रिश 4 का। दरअसल क्रिश सीरीज है ही इतनी बढ़िया कि क्रिश सीरीज की हर फिल्म ऑडियंस को बहुत एंटरटेन करती है, खासकर कि बच्चों को तो काफी ही पसंद आती है क्रिश की मूवीज। तो चलिए, अब क्रिश 4 की हम आपको एक फैन बेस्ड स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। तो क्रिश 4 की शुरुआत होगी ऐसे कि उसमें क्रिश और प्रिया का बेटा होगा। क्रिश 4 की शुरुआत वहीं से होगी जहां क्रिश 3 खत्म हुई थी। क्रिश 3 के एंड में हमें दिखाया गया था कि क्रिश और प्रिया का एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं रोहित मेहरा। रोहित मेहरा के पास भी होती है स्पेशल सुपर पावर्स और वो उन्हीं के साथ पैदा होता है। अब रोहित मेहरा हो गया है 15 साल का और वो अपने दादाजी की तरह ही काफी समझदार और काफी पावरफुल भी है। हालांकि वो काफी इंटेलिजेंट भी है अपने दादाजी की तरह ही। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे ऐसा होता है कि एक दिन अपने दादाजी की लैब में जूनियर रोहित को मिलता है एक कंप्यूटर, यानी कि उसके दादाजी का कंप्यूटर। उसमें उसे कुछ कोड्स नजर आते हैं और वो ये सोचता है कि कंप्यूटर में कोड्स कैसे। वो जाकर जब देखता है, एग्जामिन करता है, तो उसे ये समझ आता है कि कंप्यूटर में कोड्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद कोई उसका कंप्यूटर, उसके दादाजी का कंप्यूटर हैक करने की कोशिश कर रहा है। वो कंप्यूटर हैक होने से तो नहीं बचा पाता, लेकिन वो पूरी जानकारी निकाल देता है कि हैक किसने किया। दरअसल उसके दादाजी का कंप्यूटर हैक हो रहा था फ्लोरिडा शहर के एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर से। वहां पर उस रिसर्च सेंटर के ओनर का नाम था जॉनस और वो रिसर्च सेंटर कोई स्पेसिफिक, कोई ऑथेंटिक रिसर्च सेंटर नहीं था। उसमें कुछ इल्लीगल, कई इल्लीगल काम भी होते दिखाई दे रहे थे। दरअसल ऐसा था कि साइंटिस्ट है जोनस नाम का और वो ये समझ चुका है कि आने वाले कुछ सालों में धरती इंसानों के रहने लायक तो बिल्कुल नहीं बचेगी। इसीलिए वो कई सालों से रिसर्च कर रहा है एक दूसरे प्लैनेट की, एक ऐसा प्लैनेट जो धरती से ही मिलता जुलता हो, जो धरती जितना खूबसूरत हो। तभी उसे पता चलता है जादू के प्लैनेट के बारे में। जी हाँ, जादू जिस प्लैनेट पर रहता है उस प्लैनेट का नाम है हेवन और वो प्लैनेट काफी ही खूबसूरत है। सारे प्लैनेट्स में सबसे सुंदर, सबसे प्यारा प्लैनेट है वो वाला और उसका पता चलता है जोनस को। इसी बीच ये भी पता चलता है कि उस प्लैनेट पर कोई भी एलियन बीमारी से नहीं मरता, ना ही कोई एलियन बूढ़ा होता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अमेजिंग नया प्लैनेट कैसा होने वाला है। इसी बात का पता जब चलता है जोनस को, तो जोनस को ये भी पता चलता है कि जादू जो था उस प्लैनेट का रेजिडेंट जादू, उसकी बातचीत हुई थी एक बार रोहित मेहरा से। रोहित मेहरा जो इंडिया में रहते थे, उनके कंप्यूटर के थ्रू उसकी और रोहित की बातचीत हुई थी। ये बात का पता जब जोनस को लगता है तो वो वहां से बैठे बैठे रोहित मेहरा का कंप्यूटर हैक कर लेता है, सारा डेटा अपने पास चुरा लेता है और वो सिग्नल भेजकर बुलाता है जादू को धरती पर। जब जादू धरती पर आता है तो उसके बाद जोनस कई सारे लोगों को लेकर, अपनी टीम को लेकर, अपनी स्पेसिफिक टीम को लेकर निकल जाता है उनके प्लैनेट पर। उनके प्लैनेट पर जाकर वो वहां का राजा बनना चाहता है।
वहां पर सारे प्लैनेट पर राज करना चाहता है वो। इसके बाद वो वहां पर राज करना शुरू भी कर देता है और धीरे धीरे करके वो इस धरती से कई सारे लोगों को उस प्लैनेट पर पहुंचा रहा है और वहां के एलियंस को बंदी बना रहा है। इसके बाद जब क्रिश को इस बात का पता चलता है, जूनियर रोहित ये बात क्रिश अपने पिता को बताते हैं, तो क्रिश ठान लेता है कि मुझे जादू को बचाना है क्योंकि वो जानता है जादू कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो जब अमेरिका जाता है, फ्लोरिडा जाता है, वहां पर वो जॉनस के पूरे रिसर्च लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी बीच ये भी पता चलता है जॉनस तो अर्थ पर है ही नहीं, वो उस प्लैनेट पर बैठा है, उस प्लैनेट पर राज कर रहा है। जॉनस वहां पर जादू से कहता है, जब जॉनस को ये बात पता चलती है कि क्रिश ने पूरा लैब डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वो जादू से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा और क्रिश का कितना कनेक्शन है, क्रिश तुम्हारे बचपन के दोस्त रोहित मेहरा का बेटा है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हें बचाने यहाँ जरूर आएगा। इसी बीच वो ये भी कहता है कि लेकिन जब वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर तुम्हारी दी हुई स्पेशल पावर्स काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो सारी स्पेशल पावर्स सिर्फ धरती पर काम करती हैं, उसके बाहर काम नहीं करती। उतने में क्रिश एंट्री लेता है और क्रिश वहां के जॉनस के सारे आदमियों को मार देता है अपनी नॉर्मल ताकत से ही। लेकिन जब वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने जा रहा होता है तो उसकी सुपर पावर्स काम ही नहीं करती। ये देखकर क्रिश बहुत शॉक हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और उसके बाद क्रिश पर जोरदार वार करता है जॉनस और उसे मार के गिरा देता है। क्रिश को इतनी ज्यादा चोटें लगती हैं कि वो बेहोश होने लगता है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। इसी बीच जादू उसको संभालने के लिए आ रहा होता है, तभी जॉनस कहता है क्रिश से कि देखो कितना सुंदर प्लैनेट है ये, इस पूरे प्लैनेट पर सिर्फ इंसानों के रहने की जगह होनी चाहिए, ऐसे एलियंस के रहने की नहीं। तुम इस एलियन के लिए, इस जादू के लिए क्यों इतनी तकलीफ सह रहे हो, मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर इस पूरे प्लैनेट पर राज करेंगे। ये बात सुनते ही क्रिश कहता है कि तुम तो इंसान हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम किसी और से उसका घर छीन रहे हो, अगर कोई इंसान होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता, ऐसे काम सिर्फ राक्षस कर सकते हैं और तुम्हारा भी अंत होगा वैसे ही जैसे शुरू से सारे राक्षसों का अंत होता आया है, तुम जीत नहीं पाओगे। ये बात सुनकर जॉनस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार वार करता है क्रिश पर। क्या क्रिश इस वार को झेल पाएगा, क्या क्रिश इस वार के बाद जिंदा रह पाएगा, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।